बाबा बुले शाह रहमतुल्ला ने फरमा देना, पहली पौड़ी पहली पौड़ी इश्क तेरे दी, पुल सिराते तेरा लोकी हजे मकेनो जावादे ते मैं मुख वेखा तेरा ए लोकी हजे मकेनो जावादे ते मैं मुख वेखा तेरा ते बाबे सियालवी दा करम है ना फिर कि अल्हम्दुलिल्लाह जंगल च मंगल लग गए, दिन भी माफल हो रही, रात भी माफल हो रही, बहुत मुश्किल है पांच रोजा माफल करना और इतने लोगों को जमा करना, फिर इतने अनामात इतने ज्यादा तहाइफ देना, उमरे दे टिकट माशाल्लाह 11-11 उमरे दे टिकट देना, अल्लाह रब्बुल इज्जत दा खास करम ते नबी पाक दी खुसूसी तवज्जोहात और ताजदार सियाल शरीफ दा खास फैजान है, ये ओ बाबे दा फैजान है कि हजरत ख्वाजा ख्वाजगां हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ए तौसे दा फैज है ना सारा भाई है जी। आप तौसा शरीफ दी गली च जा रहे ते छोटे छोटे बच्चे बेरी दे दरख्त नु पत्थर पे मार दे, रोड़े पे मार दे, एक पत्थर ख्वाजा सुलेमान तौसवी दे मत्थे ते जा लग्या, खून निकलिया ते आपने उस बच्चे नु पकड़ के फरमाया मेनू क्यों मारे, बच्चा कहता बाबा जी मैं तुहानू नहीं मारे, मैं बेरी नू पिया मारदा सां, ते वली लजपाल होते ना फरमाया मैनू नहीं मारिया ते बेरी नू क्यों मारे, ते बच्चा रो के कहन लगा बाबा जी मैं बेरी नू रोड़ा मारना ते बेर सुट दी है, ख्वाजा तौसी रहमतुल्लाह अलैह चीख मार के बेहोश हो गए, होश आया तो उस बच्चे नू सीने लगा के एक ही निगाह की थी ते वलायत दी सारियां मंजना तय करा के फरमा दे ने ओ तेनू निके जिनू पता है कि बेरी नू रोड़ा मारिए ते बेरी बेर देंदी है, फरमाया बेरी नू रोड़ा मारिए ते बेर बेर बेरी बेर देंदी है ते वली नू रोड़ा मारिए ते वली कुछ नहीं देंदा, एक ही निगाह की थी ते बच्चे दी वलायत दी सारियां मंजना तय करा दित्तियां, ये ओ आस्ताना है जिहड़ा खास फैजान लेके आया ते बाबा जी मुहम्मद अनवर पंचतनी चिश्ती सियालवी दामत बरकातुम लालिया दी साईयां ड्यूटी लगाई ते आपने तशरीफ रखी ते अल्हम्दुलिल्लाह, ओ किसे बाबे ने आख्या सी कि पानी भरन मटियारियां ते रंगा रंग कड़े भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े, तुहानू मुबारक होवे बाबा जी तुहाडा तोड़ चढ़ गया माशाल्लाह, अल्लाह करीम कबूल फरमाए, गिरामी कदर हजरात वक्त की किल्लत है मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़े वक्त के अंदर ज्यादा गुफ्तगू अर्ज कर देवांगा, रिजवी साहब ने मेरी नक्शबंदी रग छेड़ दी है ताजदारे सदाकत का जिक्र छेड़ के, आपने जो जुमला बोलिया ना कि मैं कायनात के सब तो बड़े सूफी का जिक्र करन लगा ते मेरा भी दिल करदा आओ अज उसे सूफी दे इश्क रसूल दा तज़किरा करिए, और मैं चूंकि पीर खाने च बैठा एक मुर्शिद खाना है आस्ताना है, मैं आप अहबाब नू शरीयत मुस्तफा दे दायरे दे विच रह के अज तसव्वुर मुर्शिद अर्ज करा, गिरामी कदर हजरात कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयत मुबारक पढ़ी, इस आयत मुबारक दे तहत मुफस्सरीन ने एक वाकया लिखे कि नबी करीम दे सहाबी हजरत शहीद बिन मुअल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पे पढ़ते ने, हजरत इमाम बुखारी ने फरमाया कि उबई बिन काब नमाज पे पढ़ते, अचानक नबी करीम दा अपने सहाबी को गुजर होया, सैयद आलम ने देखा कि मेरा सहाबी नमाज पे पढ़ दे, गुलाम नमाज पे पढ़ दे, मगर नबी पाक ने फिर भी आवाज दे के फरमाया शहीद बिन मुअल्ला दरा मेरी गल सुन, इमाम बुखारी ने जिहड़ी रवायत लिखी उहदे च हजरत उबई बिन काब दा जिक्र है कि हजूर ने फरमाया उबई बिन काब जरा मेरा कम करके आ ते मेरी गल सुन, इमाम बुखारी फरमाते हैं जब हजूर ने आवाज दी ते हजरत उबई बिन काब ने मुड़ के ना नमाज पढ़दियां नबी करीम वल वेख्या, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, नमाज पे रब दी पढ़दे ने, नबी करीम ने आवाज दी ते सहाबी रसूल ने नमाज पढ़दियां पढ़दियां मुड़ के नबी पाक वल वेखिया,
कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आवाज ते लबैक नहीं आख्या बल्कि नमाज अदा कर दे रहे, थोड़ी देर के बाद नमाज मुकम्मल करके हुजूर दी बारगाह च हाजिर होए। अर्ज की या रसूल अल्लाह तुसा याद फरमाया सी मैं हाजिर हां। हजूर ने फरमाया कि मैं ते उस वेले बुलाया, हुन क्यों आए? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं नमाज पे पढ़ता सा ना, तो या रसूल अल्लाह मैं नमाज मुकम्मल करके आया। हजूर ने फरमा तू मेरी बारगाह च इस वास्ते लेट आया कि तू नमाज पे पढ़ता सा। अर्ज की जी या रसूल अल्लाह। नबी करीम ने फरमा तू कुरान दी ओ आयत नहीं पढ़ी? अर्ज की या रसूल अल्लाह केड़ी आयत? उस वेले नबी पाक ने इस आयत पाक की तिलावत की थी। पढ़ा कुरान भाई, मैं मुर्शिद नाल ते मैं कदे बोले नहीं ते इत्थे ते आवे मुर्शिद वाले ने ते अपने अपने मुर्शिद दा तसव्वुर करके एक बारी उच्चा जा बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जड़ा हाथ चाह के उच्चा जा बोले सारे उमरे दे टिकट कल्ला ही लै जावे। सने स्टेज वाले जड़ा इस तो उच्चा बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे। जोर तुसी कोई नहीं लगा रहे, मैं पता है। मैं दुआ करना बाबा जी आमीन फरमान, दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह जड़ा उच्चा बोले इस साल अपनी अम्मी ते अबू दे नाल रमजान शरीफ उमरा करके आवे। या अल्लाह हुण जड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब च कबली वाला आप आवे ते तेरा की जांदा जड़ा इस तो भी उच्चा बोले अज जागदे महफिल च सोने दा दीदार करा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह हुण काम इथे रखिया जे भाई। قال عند علي نے فرمایا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون। ईमान वाले जदो अल्लाह दे रसूल बुलावे फरमाया इस्तजीबु लिल्लाह वलि रसूल इज़ा दअकुम लिमा युहयीकुम। फरमाया जदो अल्लाह दे रसूल बुलावे आ जाओ, अल्लाह ने रिजा फरमाया नमाज पढ़ दियो फिर भी आ जाओ, रोजा रखे फिर भी आ जाओ, खड़े हो फिर भी आ जाओ, बैठे हो फिर भी आ लेटियो फिर भी आ जाओ। फरमाया जद रसूल बुलावे आ जाओ। अर्ज की कमली वालिया मैं नमाज पे पढ़दा सा। अर्ज की आला नमाज पढ़दे आओ सीना काबे वालों फिर जे नमाज टुट जाती है। अर्ज की कमली वालिया जे तेरी आवाज से आ जाता मेरी नमाज टुट जानी सी। अल्लाह ने रिशा फरमाया जे नमाज पढ़दे कमली वाला बुलाव लवे फरमाया मेरे यार दी बारगाह च आ जा कि आया जे नमाज मेरी है यार भी मेरा यार भी मेरा है। अल्लाह ने फरमाया जेरे यार दी आवाज से आ जा कि आया जे तेरा सीना काबे वल फिर जाएगा काबे दे काबे वल हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे यार दे दरवाजे आ जा मेरे यार दे दरवाजे आ जाओ। पीरे बहू ने दर रंगे ज पेश फरमाया आ फरमा देने मुर्शिद मंगा 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 मुर्शिद मुर्शिद बाहू ए ज
जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद बाहो हर दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो ए दम दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो फिर जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो मुर्शिद मक्का ते तालिब हाजी काबा इश्क बनाया हो आओ नौजवानों मैं हदीस मिठी जी सुना एक दिन ना मेरे नबी एक कबीले दी सुलह करान गए इधर मस्जिद नबी शरीफ च जुहर दी नमाज दा वेला इमाम लेट हो जाए ना ते नमाजियां दी आदत होती है मुड़ मुड़ दरवाजे वल वेखदे ने कदों इमाम साहब आवन कदों आवन ते उडीका होने इमाम अलंबिया दियां सहाबा मुड़ मुड़ दरवाजे वल वेखदे ने कदों कमली वाले आवन ते नमाज पढ़ावन चौधरी बकावा साहब कौन है ते वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा लेट हो गए ते नमाज दा वेला पिया जावे सहाबे के बार ने ना हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की हुजूर नमाज पढ़ाओ सुन्नी मामा दे पुत्र बैठे हो सहाबा ने सिद्दीक अकबर नु आख्या नमाज पढ़ाओ पता चलिया सहाबा नु भी पता सी के नबी दे बाद जेड़ा नबी दे मुसल्ले दा वारिस है ओ सिद्दीक अकबर ही है अबू बकर जेड़ा नबी दे मुसल्ले दा वारिस है सहाबा ने अर्ज की सैयदना सिद्दीक अकबर नु के नमाज पढ़ाओ रिजवी साहब मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे बाबा जी एक रकात पढ़ी दो पढ़िया तीसरी रकात वास्ते उठे थे इधर हजूर भी आ गए इधर नबी पाक भी आ गए और पिछली साफे जाके ना ते नबी पाक ने सहाबी दे कोल खलो के नहीं समझे इमाम सिद्दीक सहाबा मुक्ति ते पीछे कमली वाले भी ओ पिछली साफे हुन नमाज जारी है सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ रहे जदों कमली वाले आए थे ए सहाबी ने जदों नाल दे ने सांस लिया ना सांस च हवा ते हवा च नबूवत दी खुशबू ओ जित्थो माही लंघ जावे अठ दिन खुशबूआं नबी दियां ते जिदे नाल ही कमली वाला ओ सहाबी ने जदों मेरे वल वेख्या जी हदीस पाक के चाहुंदा इंज नमाज पढ़दे जदों सांस ते सांस च हवा ते हवा च नबूवत दी खुशबू गई ना ते इस तरह करके ना सहाबी ने बोले नहीं सुभान अल्लाह भाई काबा सामने वे ते सहाबी नमाज पढ़दे की कीता नबी वल इंज करके ना नाल दे नूं कोणी मारी ते आख्या इधर हजूर आ गए ने सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह नौजवान आदि से पाक जे आंदा नमाज च खलबली मच गई कौले देवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए सहाबा ने एक दूसरे नु नमाज पढ़दे दसया नबी पाक आ गए नबी करीम आ गए नबी करीम आ गए सहाबा ने रास्ता बनाया नबी करीम टुरदे टुरदे पहली सफ दे अंदर आ गए हजूर ने पहली सफ दे अंदर खड़े ने सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ाई जा रहे नौजवानों अचानक नमाज पढ़दे आ हुन सहाबा नु ख्याल आया सिद्दीक नु दसिए नबी पाक आ गए ने साहबा ने अपने हाथों से हथ मारे अपने हथों से हथ मारे जिस वेले सिद्दीक अकबर के कन्नों च आवाज ज्यादा गई नमाज पढ़दे पढ़दे अबू बकर ने मुड़ के एक बारी नबी वल वेखिया मैं तेन दसा मुर्शिद किनू कहते इंज करके ना सिद्दीक ने मुसल्ले ते खलोते नमाज पढ़द पढ़द भाई काबे वाल सीना फिर जे नमाज टूट जाती है सिद्दीक पूरे फिर गए बोले नहीं सुभान अल्लाह
ابو بکر نے مڑ کے نبی ول ویکھیا نوجوان نماز بھی جاری ہے مڑ کے صدیق نے نبی ول ویکھیا تائیوں بابا بلے شاہ دی روح تڑپ گئی کہ آ فرما دے نے نماز پڑھا کہ میں تے ول صف دے اندر آ رہے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائی جا ابو بکر نماز پڑھائی جا صدیق اکبر بجلی صف دے اندر آ گئے میرے نبی مصلی تے جا کے نماز مکمل کرائی نماز پڑھ کے فرمایا ابو بکر میں آکھیا سی نماز پڑھی جا عرض کی تھی مذاق دینے نہ والے ابو کہا دے پتر دی اینی جرت نہیں کملی والے آ پڑھی جاوا تینوں پیچھا کیویں کراں عرض کی تھی ماں زال دینا نہ بالے آو کہ تینوں چھڑ کے نماز پڑھی جاوا میری نماز بھی ٹوٹ جانی سی میرا رب نال رشتہ ہی ٹوٹ جانا میرا رب نال اج رشتہ ہی ٹوٹ جانا سی کتھے گئے ہو جڑے کہندے نے نماز چ نبی دا خیال آوے تے نماز نہیں ہوندی صدیق نے دسیا وہ ہندی نہیں جہد چ نبی دا خیال نہ آئے وہ ہندی نہیں جب تک یار دا تصور تے خیال نہ آئے چلیے بابا بلے شاہ دے دربار تے تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے اجے میں تانوں عنوان ول لے کے آ رہا ہے تے ایڈا لمبا عنوان ہے الحمدللہ جے میں تانوں تصور مرشد سناواں مرشد دا تصور ہوندا کی ہے اے صحابہ کولوں اسا سیکھیا ہے اے تے پوچھ کسے مرشد والے کولوں پوچھو بابا جی پنج محمد انور پنج تو نہیں کولوں پوچھو کوئی افتخار بھی کولوں کو پوچھے عمران ناسی کولوں تصور مرشد کی ہوندا ہے میں انشاءاللہ کے جا کے عرض کرنا چلیے بابا بلے شاہ دے دربار تے سیانے کہندے نے جیدا کھائیے خدا جدی امی نے دس کے بھیجے نا پترا میں تینوں ساری زندگی حضور دے لنگر تے پالیا ہے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ فضاما گونج جان تے اگلے سال تک فرشتے جھک جھک کے ایک دوسرے نوں کہن آ مدرسہ پنجتر پا کے جتھے نبی پاک دا میلاد ہوندا تے سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے نے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سرات تیرا لوکی حج دیگر علماء بھی تشریف فرما میں سیال شریف دے آستانے تے بیٹھا میں گل کر ہی دیواں اے لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھاں تیرا بابا جی آپ دے پردادا مرشد حضرت خواجہ خواجگاں حضرت امام الاولیاء تاجدار ولایت امام چشت حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ لے اے آ بابا جی تے تصویر مبارک لگی بھائی حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی چشتی رحمت اللہ لے آپ ایک دن بیٹھے تے مرید کول خادم بیٹھا تے خادم نے ویکھا کہ بڑے سونے جے بابا جی نا حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ لے نو ملن آئے
बड़ी देर राजो न्याज दियां गल्लां होंदियां रहियां ते ओ जिहड़े बाबा जी मिलन आए जदों उठ के टुरे ना ते खाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अपने खादिम नूं हाथ लगा के फरमांदे ने जे खिज़र अलैहि सलाम नूं वेखना ही ते दौड़ के जाके वेख लै आ जिहड़े बाबा जी मैनूं मिलन आए सन ना ये अल्लाह दे नबी हज़रत खिज़र अलैहि सलाम ने उस खादिम दी अज़मत भी सदके जावां ते सबरे मुर्शिद समझदा सी ना अदाबे मुर्शिद दा वाकिफ सी हाथ जोड़ के ते रो के अर्ज करदा सोहणिया मैं उस खिज़र नूं वेखण क्यों जावां मैं इस खिज़र नूं ना वेखां जिहनूं ओह खिज़र मिलन आया है मैं इस खिज़र नूं ना वेखां जिहनूं ओह खिज़र मिलन आया है दर मुर्शिद दा खाना काबा हैं गिरामी कदर हजरात लोकी हज मक्के नूं जांदे मैं मुख वेखां तेरा सहाबा ने सानू दस्या जद काबे दी ते महबूब दी वारी कठी आ गई ना उन्हां काबा छड़िया एक लख नमाज दा सवाब है काबे पढ़िए किन्ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हर साल ते बार बार सानू सारे नसीबां च करे एक लख नमाज का सवाब है काबे च एक नमाज पढ़िए ते मस्जिद नबी च एक पढ़िए ते 50,000 का सवाब है असी दुनियादार एडे लालची ते सियाणे असी डबल शाह नूं 50,000 दे के लख करा लैने आ ते काबे लख दा सवाब है मस्जिद नबी च 50,000 दा सवाब है पर अबू बकर तेरी अजमत तो सदके जावां हिजरत दी रात उहने काबा छड्डिया मक्का छड्डिया लख दा सवाब छड्डिया ते कमली वाले नाल मदीने वल टुर पे अकल ने पुछा सिद्दीक इत्थे लख दा सवाब छड्ड के 50,000 वल जा रहे सीधा सीधा 50,000 दा घाटा मुड़ के इश्क ने फरमाया असी को सवाब दे बंदे असी ते इश्क दे बंदे आ फरमाया सा लख की करना जे यार दा मुख ही नजरी ना आवे 50,000 कबूले यार दा मुख ते वेख्या करांगे ना पता चलिया ओ ते यार नूं वेखदे सन जदों काबा सामने आंदा काबा सामने आंदा नहीं ते याद नहीं ओ जदों फतह मक्का दा दिहाड़ा ते मेरे नबी ने फरमा बिलाल जी आका फरमा काबे दी छत ते चढ़ के अजान पढ़ पढ़ काबे दी छत ते अजान बिलाले अब्जी ने रोके अर्ज की थी कमली वालिया ए मक्के दे चौधरी खड़े ने अर्ज की थी कमली वालिया मैनु वेच दे भी रहने खरीद दे भी रहने अर्ज की थी कमली वालिया इना दुनिया दे चौधरिया दी उच्चा किवें हो जावां फरमाया बिलाल काबे दी छत ते चढ़ जाओ इना दुनिया दे चौधरिया नु आई दसना चाहना ओ दुनिया दी चौधरियों तुहाडे नाल मुहम्मद कमी दा मुकाम पहुंचा दे जिहड़े वेले बिलाल काबे दी छत ते आ गए बिलाल दा उहने पढ़ी जा रहे पढ़ी जा रहे पढ़ी जा रहे सहाबा नु ख्याल आया काबे दी छत चढ़ के दा उहने पढ़ी जा रहे बिलाल तेरा रुख किधर है काबे वल चेहरा करके दा उहने पढ़ी दी है सहाबा वे के बिलाल दा इश्क हैरान रह गए बिलाल दा उहने पढ़ी जा रहे पढ़ी जा रहे पढ़ी जा रहे जिधर जिधर कमली वाला टुरी जा रहे हैं बिलाल उधर उधर मुड़ी जा रहे हैं मुड़ी जा रहे हैं मुड़ी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीक नारे गौसिया लजपाल लजपाल बिलाल ने काबे दी छत ते खलो के ते यार वल वेख के अजान पड़ी मैनू तो पता की दस चलिए मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार उते यार उचा बोलो सुभान अल्लाह बिलाले अब्शी ने यार वल वेख के अजाना पढ़िया अजान पढ़ के वेख के कहंदे होणगे दर मुर्शिद दा ए दर मुर्शिद दा ए बेखाना दबावा राम ली
बना लिया। बिलाल अजान पढ़ रहे थे काबे की छत ते खलो के ते यार वर रुख करके ते दसिया दर मुर्शिद दा खाना काबा है। बिलाल दी अजान भी कोई एवें दी सी ना शाह जी। एक दिन ना हजरत अल्लामा फैज अहमद ओवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस वल कुरान लिखदे ने कि मस्जिद नबी दे नाल ना एक यहूदी दा मकान सी। एक दिन हजरत बिलाल को लाके ते यहूदी कहंदा यार बिलाल तू जो इन्नियां दुकानदारां दे उधार देने ने ते तू मेरे को खरीदया कर, मेरे को बहुत माल है, एडा वड्डा मेरा जनरल स्टोर है मदीने विच, तू मेरे को खरीदया कर, तू इन्नियां दे उधार जो देने ने ते मेरे कल्ले दा उधार रख। बिलाल का उधार अपना नहीं सहना होता, नहीं नहीं नबी पाक दे बोए मंगता होना ना, ते हजूर दा चुके वजीरे खजाना हजरत बिलाल है ना। अजमे बाबा जी ने अपने बाबा जी रखे ने अपने वजीरे खजाना माशाल्लाह से है ना। इन्हों किसी चीज की लड़ पवे तो इन्होंने फरमाना बाबा जी ने हुक्म, मेरे नबी ने ना बिला तशबीह कह रहा कोई मंगता होना तो हजूर ने फरमाना बिलाल जी यार सुन, हजूर ने फरमाना ओ फुलां दुकान ते जा ते मेरा नाम लैके ना तो उधार इन खरीद के ते चीज दे दे, मंगता खाली ना जाए। उधार वधदा जा रहा वधदा जा रहा, जब नबी पाक को दौलत आनी तो हजूर ने बिलाल नूं फरमाना जा दुकानदारां दे उधार दे के वापस कर। यहूदी आके एक दिन हजरत बिलाल नूं कहन लगा कि बिलाल तू इन्हां दे उधार दे रहे ने, तू मेरे को खरीदिया कर, मैं तेनों दो तीन साल पुछदा ही नहीं। अलामा वैसी साहब ने एक बड़ी मुहब्बत की बात लिखी, फरमाते ने असल गल ये सी कि जदों हजरत बिलाल अजान पढ़ते सन ना तो आवाज एडी मिठी सी ना। दाता साहब कशफ अल महजूब च फरमाते ने कि एडी मिठी अजान पढ़ते सन हजरत बिलाल कि नबी पाक इसे सफर तो थक के मदीने आना ते नबी पाक ने मदीने आउंदे फरमाना अरहना या बिलाल बिस्सला, हजूर ने फरमाना बिलाल अजान पढ़ मुहम्मद की थकावट उतर जावे। हजरत बिलाल जो अजान पढ़ते तो यहूदी का मकान सी दीवार मस्जिद नबी दे नाल, उन्हें जो अजान सुनी ना तो आ मेरे वाल वेख्या जी, उन्हें ना इंज झूमना। एक दिन उन्होंने ख्याल आया जे मैं इंज झूमना तो मदीने के सारे यहूदी इंज ही झूमते हो गए, तो जे बिलाल इंज ही अजान पढ़ता रहा तो वह ना हो सारे मदीने की यहूदी कलमा ही मुहम्मद का पढ़ लैन, तो होवे ना तो मैं बिलाल का इंतजाम ना करा, ये मेरे को उधार खरीदेगा तो ये को पैसे वापस नहीं दिते जाने तो मैं अपना गुलाम बना लवागा, दोबारा गुलाम बना लवागा। हजरत बिलाल को सौदा खरीद लग पे, जब लखा के हिसाब ना उधार हो गया ना उन्हें आख्या बिलाल मैं तेनों दो तीन साल करजा पूछना ही नहीं। एक दिन हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी ना रिजवी साहब से आ गया यहूदी मदीने के चौधरी नाल लैके, हजरत बिलाल ने कह लगा बिलाल तीन दिन का टाइम देना, अगर तीन दिन के अपना कर्ज अदा ना किया तो मैं तेनों गुलाम बना लेना है, फिर वेखांगा तू किवें अजाना पढ़ना है, तीन दिन के अपने अपने कर्ज का वापसी का इंतजाम कर। हजरत बिलाल रोंदे रोंदे ना नबी पाक की बारगाह च आ गए, अर्ज की यार सुल्ला अद्धी उम्र ते गैरां दी गुलामी च गुजर गई, आ जड़ी रह गई है ये अपनी गुलामी च रखो ते मैं गैरां दी गुलामियां नहीं करनियां, ते मैं मदीनियों चलिया ते जे पैसे होए ते मैनूं बुला लिया जे ते मैं यहूदी का उधार वापस कर देवांगा, जुत्ती पैनी ते तलवार लटकाई आई ते कुल कायनात सी बिलाल दी, एक जुत्ती एक तलवार, तलवार लटका के ना थे कंधे दे नाल जदों बिलाल मदीने दी गली च जा रहे ना नौजवान इधर उधर ते बिलाले एफसीए जे निकलदे जाओ रे, उधर चार ऊंट ताइफ दे सरदार ने मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर भेजे, मेरे आका ने फरमा को जल्दी जाओ जाके मेरे बिलाल नु बुला के ले आओ। हजरत बिलाल मेरे नबी ने फरमा ऊंटा दी वो हार पकड़ जा जाके यहूदी दा कर्जा वापस करके आओ। बिलाल ऊंटा दी मोहार बड़ी यहूदी दी दुकान ते चले गए, बड़े रोम ने फरमा दे घर आज हिसाब किताब, उन्हें हिसाब किया तीन ऊंटा का समान बनया, तीन ऊंट ओनू दे के चौथे दी मोहार मोढ़े ते फड़ के मदीने दी गली विच यही पढ़ते जा रहे, मेरा राखा कमली वाला है मैनू कौन सोने नल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावन वाला है।
माशाल्लाह। उच्चा बोलो भाई, सारे बोलो, रल के बोलो सारे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आमीन आमीन आमीन। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बिलाल अजान पढ़ देने काबे दी छत खलो के पर रुख यार दा मुख यार दा देख दे। नौजवानों उन्हें काबा यार नु बना लिया, काबा यार नु बना लिया। ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਮਾ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਜ਼ ਮਾਲਕੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਏ ਨੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਬੂ ਜਲਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁਣ। ਅਬੂ ਲਾਬ ਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅਲਮਾ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਦ ਮਾਲ ਕੀ ਫਰਮਾਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਬੁਸਤਾਮੀ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਬਣੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੁਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਭੈੜੇ ਅਮਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਉਹ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਬੂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਵਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਵਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਉਣ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਬੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂ, ਚੁੱਕ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਟੋਰਾਂ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਡੀ ਰੱਖੀ ਨਾ ਦੋ ਸੁਰਾਖਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੋਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਨਬੀ ਗਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਸਦੀਕ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਦੀਕ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਰ ਹੈ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਠਹਿਰ ਜਾ ਫਿਰ ਸਦੀਕ, ਅੱਜ ਅਸੂਲ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਦੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੂਲ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਉਸ ਗਾਰ 'ਚ, ਉਸ ਦਿਲ ਦੀ ਗਾਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਦੀਕ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਆਇਆ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਕ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਖਤੀਬ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੰਜ ਸਦੀਕ ਨੇ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਦੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ। ਪੜਾ ਬਾਈ ਬੇ ਮੁਰਸ਼ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਸਦੀਕ ਨੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਰੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਯਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖੋ ਅੱਖੀਓ ਨੀ, ਅੱਜ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖੋ ਅੱਖੀਓ ਨੀ, ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ
जे अल्फाज़े दीगर कह लवा सिद्दीक बेगे कहते होंगे चुक मीम दा परदा मुखड़े तू चुक मीम दा परदा मुखड़े सवाब तक बरी हजदाए क्यों ना चाहोवे तेनु वेखन दा ये सवाब तक बरी हजदाए उधर सब डग मारिया डग मारिया ते सिद्दीक नु कहंदा मैनू भी वेखन दे मैनू भी वेखन दे सिद्दीक अड़ी दबा के कहते ने हट जा मैनू ही वेखन दे वो कहता मैनू भी वेखन दे ते ए कहता मैनू ही वेखन दे इधर ओ वेख रहे ते उधर ओ ओ ओ मदीने वाले वेख रहे ते रामा पे उड़ीक दे रिजवे साहब मैं जब मदीना शरीफ पहली बार गया ना तो नारोवाल के मेरे दोस्त ने अलामा वैसी साहब मदीना शरीफ उधर मैंने कह लग गया सी साहब आओ मैं तुम्हें ज़ियारत करवा के लिया मदीना शरीफ दी पुरानी गलियां च मैंने लै गए एक जगह ते मैंने खड़िया करके ना वो मुकाम जिन्होंने सनिया तिल वदा कहते उस मुकाम ते मैनू खड़िया करके कह लगे आसी साहब आओ जगह जिथे हिजरत वाली रात खलो के मदीने वाले नबी पाक दी उड़ीक करदे सन मैं उथे खलो के जो वेख्या तो मैं पूछा वैसी साहब इतने खलो के क्यों करते सन कह लगे आसी साहब ये उस दौरे च मदीना तैयबा च सब तो बुलंद जगह से इतने खलो के बड़ी दूर तक नजर आता सी मैं उथे खलो के जो दूर तक वेख्या ना तो मैं इश्क दी रमज दी समझ आ गई मैं क्या वाह इश्क वाले आ जड़े उड़ीकों वाले होंगे ना वो नीवियां जगह खलो के नहीं उचिया जगह ते खलो के माही दी उड़ीकां करदे ने ते तसल्ली उन्हां दी फिर भी नहीं होंदी ते अड़ियां चुक के ना पब्बा बार थोड़ा जिहा होर उच्चे वेख हो के ना ते यार दी उड़ीक करके कहंदे ने कदों आउणा जे कदों आउणा नहीं तुसीं नहीं समझ मैं तुहानूं होर सौखा कर देवां सानी ना समझ आ जाए ऐ गुजरात जाइए ना बाबा जी ते उत्थे इक बाबा रहिंदा जिहनूं कहिंदे ने बाबा कावां वाली सरकार बड़ा मशहूर दरबार शरीफ हज़रत बाबा करम इलाही अलमरू बाबा कावां वाली सरकार सारी जिंदगी बाबे कावा नाल प्यार कीते अज भी दरबार ते चले जाओ ते तुस अपनी जिंदगी च इन्ने कवे कदे कट्ठे नहीं वेखे होणगे जिन्ने बाबा कावा वाली सरकार दे दरबार ते कट्ठे होंदे ने किसे एक दिन अर्ज कीती हजूर ए तोते पालदे ने लोग कबूतर पालदे ने कोई चिड़िया पालदा है कोई मुख्तलिफ परिंदे मोर पालदे ने लोग सोहणे सोहणे परिंदे पालदे ने काले रंग दा कां इहदे नाल भी कदे किसे प्यार कीता है आप इरशाद फरमाते ने बेलिया मैनूं पता है सकाले नाल प्यार ते कोई नहीं करदा पर मैं सुनिया कवे दी उम्र बड़ी लंबी होंदी है इमाम दमीरी हयातुल हैवान च फरमाते ने कि तकरीबन कवे दी उम्र 500 साल होंदी है दुनिया तो तालबीन च भी लिखिया कवे दी उम्र 500 साल होंदी है अज दे साइंसदान भी कहंदे ने कवे दी उम्र 500 साल तो भी ज्यादा होंदी है नबी पाक ने फरमाया रोजादार दोजख तो इन्नी दूर होवेगा जिन्ना कवे दा बच्चा उड़ना शुरू करे पैदा होंदिया सारी जिंदगी उड़ उड़ के थक के डिग के मर जावे जिन्नी दूर ओ कव्वा जावेगा इन्नी दूर रोजादार दोजख तो होवेगा शारहीन फरमाते नबी पाक ने कवे दी मिसाल क्यों दी इस वास्ते कवे दी उम्र चुके बड़ी लंबी आती है ते बाबा कावा वाली सरकार ने फरमाया मैं कवे नाल इस वास्ते प्यार करना ये हर वेले मेरे बनेरे ते बैठे रहन होरे किसे दिन मेरे बनेरे ओ भी कहां आके बह जावे जिन्ने कमली वाले दी ज़ियारत कीती हो ਔਰ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵਾਹ ਉਡੀਕਾ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਹੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਵਰ ਵੇਖਿਆ ਆਵੇ ਆਰਬੇ ਕੜੀ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਉਡੀਕਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਭਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਉੱਚੇ चढ़ के आए
काली पावे ते मैं रोआं अंदर बड़े के। मियां मुहम्मद बाज फरमाते ने कदर मैं बागे च गया ते फलदार दरख्त ते टहनियां लटक रही बिच एक सरू दा बूटा ते सीधा ही अकड़ के खलोता। करीब जाके फरमाते ने तेरी बरादरी झुक के खड़ी तू बड़ा अकड़ के खलोता है। फरमाते ने सरू दे बूटे जो आवाज आई मुहम्मद बख्शा इन्हां नूं यार मिल गया मैनूं उड़ीकां लगियां होईयां ने। मियां साहब फिर उसे दरख्त के नाल बैठ के ना ते टेक लगा के शेर लिखिया। आ फरमाते ने सरू आजाद हैरान खलोता पैर जमीन विच गड्डे उच्चा हो रस्ता वेखे मता यार कितों सिर कड्डे। जिन्होंने उड़ीका हो ना उच्चे उच्चे जगह खलो के माही दा राह वेखदे ने उच्ची थां ते खलो के केड़ा केड़ा रंग देवां केड़ा केड़ा रंग देवां। एक नौजवान हजरत हूद अलैहि सलाम दे दौर दा उन्हें पढ़िया किताबा विच के कोई अल्लाह दा नबी यूसुफ होना हुसन दा ताजदार। उन्हें अर्ज की या अल्लाह मैनूं मौत ना देवी जब तक यूसुफ की जियारत ना कर लवां। अल्लाह फरमा ओ मिस्र ते किनान दे दरम्यान एक कुआं जा उस कुएं च आराम कर। वो 1200 साल कुएं च इबादत करता रहा। 1200 साल बाद इमाम गिजाली फरमाते ने जदों हजरत यूसुफ पैदा हुए ना ते भाइयां ने रस्सी ना बन्ह के हजरत यूसुफ ने जदों कुएं च लटका के रस्सी कट्टी ना ते यूसुफ पानी वल जा रहे अचानक जिब्रील अमीन ने जन्नत दा तख्त लिया के नबी दे कदमां दे नीचे बिछाया। अल्लाह दे नबी यूसुफ जड़े वेले तख्त ते बैठ गए ओ यहूदा नाम दा नौजवान खुवें दी दीवार चो निकल के तख्त ते बैठ गया। हजरत यूसुफ वेख के फरमांदे ने मैनू ते वीरां खुवें च सुटे आए तू कित्थों आया है। हाथ जोड़ के कहन लगा नबी अल्लाह वीरां दा गिला ना करी तैनू खूह च वीरां नहीं सुटिया तैनू खूह च मेरिया उड़ीकां लैके आईया। पता लग्या उड़ीकां सच्चियां होण ते माही चल के आ जांदे ने। ओ मदीने वाले जदों उड़ीकां कर जे मैं उड़ीक दे रंग पेश कीता गल लंबी हो जानी पर ओ सामने जदो दो आए ना सुनो तो सबर महबूब की है एक खुदा दा यार है ते एक खुदा दे यार दा यार है। हुण मदीने वाले नबी पाक नूं इस तो पहले वेख्या नहीं सी उन्हां नूं पता ना लगे इन्हां च नबी केड़ा ते सदीक केड़ा क्यों जुल्फां एक जैसियां दस्तार एक जैसी गुफ्तार एक जैसी किरदार एक जैसा रफ्तार एक जैसी लिबास दोनों के सफेद एक जैसे। हुण मदीने वाले नूं पता ना लगे नबी केड़ा ते सदीक केड़ा है। हक बजान वो पढ़े लिखे बैठे हो मेरे को नौजवान पूछ ही लवे असी साहब पता क्यों नहीं सी लगता ते मैं आ गल ना कीती ते तुहानू इस गल दी समझ नहीं आनी। मैं अपनी पूरी तकरीर दा निचोड़ सुनावा ए सरहंद शरीफ टुर जाइए ना दिल्ली दे अंदर ते मेरे खाजे खाजगा ताजदारे वलायत ताजदारे नक्शबंदियत मुजद्दियत हजरत इमाम रब्बानी खुतबे रब्बानी कंदीले नूरानी हजरत शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दद अलफसानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दे मुर्शिद कामिल हजरत ख्वाजा मुहम्मद बाकी बिल्ला सरकार। ओ ख्वाजा बाकी बिल्ला जिन्ना दे मुरीद ने एक दिन पूछे हुजूर तो हाडा ना बाकी बिल्ला है ते ए बाकी किनू कहंदे ने ते फानी किनू कहंदे ने। आपने फरमाया जिहड़ा मेरा जनाजा पढ़ाना आवे ओदे कोल पुछ लवे ते नाल फरमाया मेरा जनाजा कोई ना पढ़ावे कोई आवेगा पढ़ाने वाला। ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਰਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਉਡੀਕ ਰੇ ਕੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਵੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਕਾਬ ਏ ਉਹਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦਮ ਪਕੜ ਕੇ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰੀ ਦੱਸੇ ਆ ਜਾਏ ਸਾਨੀ ਕਿਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਾਇਆ ਮੁਰੀਦ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਪਾਣੀ ਆ ਪਿਆਈ ਬਾਕੀ ਆ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਬੂਵੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਖਾਲੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਬੂਵੇ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मेहमान ज्यादा आ गए तो घर खावन लिए कुछ नहीं तो सामने तंदूर वाले की दुकान वो तंदूर वाले वेख्या तो उन्हें ना बाबा जी के घर रोटियां पका के ना तबाक रोटियां का भर के भेजिया।
ख्वाजा साहब ने कोई रोटियां मेहमाना नु खिलाईयां ते मेहमान विदा हो गए ना ते आप टुटे टुटे ते तंदूर वाले को लागे फरमाद ने आज मेरी बड़ी लाज रखी आ ते मांग जो मांगना है उन्हें हाथ जोड़े अर्ज की थी फकीर हो दरवेश हो वली हो दुआ करो अल्लाह ने तुहाडियां दुआवां दे सदके बड़ा ही दित्ते आपने फरमाया झलिया फकीर दी मौज ही कुछ मांग लै उन्हें फिर अर्ज की थी जी दुआ ही करिया जे फरमाया चलिया फकीर दी मौज ही कुछ मांग लै वो तो हो गया सीधा कह लगा मैं लगा जे फिर मांगण फरमाया मांगना अखे मंगल लगा जे फरमाया मांगना अखे मंगल लगा फरमाया मांगना कह लगा कुछ देना ते मैनू भी बाकी बिल्ला बना दियो फरमाया बंदे दा पुत्तर बन बाकी बिल्ला बनना को सौखा काम है मेरी जिंदगी दिया रातां मुसल्ले ते गुजर गई उन्हें आख्या सुनिया करीम ओ होंदा जिहड़ा दे के लवे ना तेरे जिहा करीम मैं वेख्या कोई नहीं हुण लबां चों कढ़िया जे मंग हुण मैं मंगिया ते दियो ख्वाजा साहब उन्हें हुजरे च लै गए दरवाजा बंद कर लिया तीन दिन दरवाजा बंद रहा अल्लाह हू दियां सदावां आउंदियां रहियां तीन दिन के बाद जदों दरवाजा खुलिया ते वेखण वाले कहंदे ने पता ही ना लगे बाकी बिल्ला केड़ा है ते नान वाला केड़ा है ऐसा यार ने यार ते रंग चढ़ाया इक्को ही निशानी है कि तंदूर वाला बेहोश है ते बाकी बिल्ला होश है नौजवाना पता लग गया तीन रात बाकी बिल्ला नाल गुजारे बाकी बिल्ला बन जांदे नौजवानों को सिद्दीक दे हाथ चमद आए कोई नबी दे कदम चमद आए अबू बकर ने वेख्या लोग मैनु नबी समझ बैठे ने इश्क ने कबूल ना किया अपनी चादर लेके नबी दे साया करके खलो गए फरमाते ने लोगों पानी दा कतरा सवेरे लैके ना तुहाडे कोल हैड मरा लै ते जाया जे कतरा पानी दा लैके ते दरिया च कतरा सुटिया जे ते फिर वह कतरा बाहर निकालिया जे निकलेगा नहीं ना वो कतरा फना हो गया दरिया ते दरिया बड़े सखी होंदे ने ते दरिया कहंदे ने तू निका जाओ के मेरे तो मिट चले ते मैं को तेनों मिटन देना आ जा मैं तेनों दरिया बना के नाल ही लै जावां सिद्दीक ने जदों अपनी जात मुस्तफा दी जात तो फना कर दी ना ते मेरे नबी फरमाया सिद्दीक मैं हुण को तेनों फना होण देना है आ जा गुंबद खिजरा च कट्ठे ही लेटिए जदों 70,000 फरिश्ता सुबह शाम मुहम्मद ते सलाम ते दरूद पढ़न आया करेगा नाल तेरे ते भी सलाम पढ़ के जाया करेगा इन्हों तसव्वुर मुर्शिद कहंदे ने इन्हों कहंदे ने तसव्वुर मुर्शिद गिरामी कदर हजरात वो किसे आख्या सी कौन कोई मैं कोई नहीं अड़ियो कौन कोई मैं कोई जिदे ते अपना आप गवाया आप हो जी होई बस मैं अफजल कादरी साहब ने फरमाइश की थी पर मैं उधार करना रात नूं सुना देवगा जो तुहानूं अल्लाह तारा इस डेरे ते बनेरे ते वेड़े नूं अम्मा हलीमा दे वेड़े दा सदका ते नबी पाक दी सुफा दी अकैडमी जिहड़ी मेरे नबी ने मदीने दी मस्जिद नबी च बनाई जिथे हज़रत सलमान फारसी ते बिलाल हबशी पढ़ते रहे इलाही उन्हां लम्हियां दी खैरात इस आस्ताना यालिया पंचतन पाक नूं हमेशा सलामत आबाद फरमा बाबा जी नूं बड़ी खिजरी अता फरमा आप दा साया आप दे मुरीदीन ते मुतवसलीन ते हमेशा सलामत फरमा आमीन व आखिर दवाइयां अलहम्दुलिल्लाह आमीन आमीन जनाब जीनतुल